नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ 4 साल से। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है और हाउ टू रिमेन हैप्पी, जो बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में लोग इधर उधर भाग रहे हैं खाली ये सोच के कि मैं हैप्पी कैसे रहूँ। उनको लगता है कि जितना मैं भागूंगा और सामने वाले चीज की तरफ जाऊंगा उतना मैं जल्द हैप्पी होऊंगा। लेकिन हैप्पीनेस इज हियर राइट नाउ विथ यू। हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, हैप्पीनेस इंटरनल है। कहीं भी आप भागेंगे तो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा नहीं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताई थी जिससे हम हैप्पी रह सकते हैं, और आज भी मैं टिप्स को कंटिन्यू करूंगा। जो नेक्स्ट टिप है हैप्पीनेस के लिए वो है फोकस। जो काम आपको करना है उस पर अगर आप फोकस रखते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिल सकता है। यदि मुझे प्रमोशन चाहिए तो काम की तरफ हैप्पीनेस रखो, काम की तरफ फोकस रखो। अगर मेरे को मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करनी है तो एग्जाम के ऊपर फोकस रखो। अगर मैं हाउसवाइफ हूं तो अपने हस्बैंड की तरफ और अपने बच्चों की तरफ फोकस रखो। फोकस रहना बहुत ही जरूरी है। जितना आप डेविएटेड रहेंगे उतना आपका हैप्पीनेस कम कम होते जाएगा। हाल ही में हमारे एक स्टूडेंट आया था जो बोल रहा था कि मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2 साल से क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे चीज़ें कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मेरे पापा मम्मी की तरफ भी मैं ध्यान देता हूँ, मेरे को मैं वीडियो में गेम्स भी खेलता हूँ, मैं फेसबुक भी ऑपरेट करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा कुछ तो भी इनकम्प्लीट है। तो मैंने वो व्यक्ति को ये बताया कि आप 99% काम छोड़ दो। आपका प्रायोरिटी है अभी मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करना, तो आप पूरा फोकस अगर उस पर रखते हैं तो आप डेफिनेटली फोकस रहेंगे, हैप्पीनेस मिल आपको मिल सकता है और आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना, संदर्भ निर्माण करो। कोई भी चीज में क्यों कर रहा हूं, अगर आप संदर्भ निर्माण करते हैं तो आपका हैप्पीनेस परमानेंट रहेगा। अगर आप यूं ही कुछ भी काम नहीं है इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो अगर वो काम हो गया तो उसके बाद आपको वापस बुरा लगता है, बोर लगता है। मुझे बहुत दिन से इच्छा है कि मैं क्रेटा गाड़ी खरीदूं। बाद में मेहनत करता हूं, मैं 1 महीने बाद पैसा जमा करता हूं, क्रेटा गाड़ी खरीदता हूं, और 2 महीने बाद मुझे लगने लगता है कि अरे यार मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। जो ड्रीम हम लेके चले थे कि हाँ मुझे क्रेटा गाड़ी खरीदनी है, अभी क्रेटा गाड़ी खरीद लिया, अब वो गाड़ी हो गई, मेरी हो गई, और 2 महीने बाद मुझे लगता है कि यार मुझे कुछ दम नहीं लग रहा, मुझे कुछ मजा नहीं आ रही। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं मेरे गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँ, आई लव यू बोलूँ और शादी कर लूँ। सब चीज़ें परफेक्टली हो गई, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन गई। अभी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो बोरिंग हो रहा है, लाइफ बोरिंग हो रही है, मुझे लाइफ में मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। धीरे धीरे वही चीज़ करते 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 आदमी को बोर होने लगता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप करो कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है। अगर मैं शादी कर रहा हूँ किसी लड़की से तो मेरा फाइनल एम क्या है। अगर मेरे को कार खरीदनी है तो मेरा फाइनल एम क्या है, ये ढूंढना बहुत ही जरूरी है। जो अगला पॉइंट है वो है कि कॉम्पिटिशन मत करो। लाइफ में अगर कॉम्पिटिशन करना है तो खुद से करो और ईमानदारी से करो। लोगों से कॉम्पिटिशन करके, स्पर्धा करके कोई भी व्यक्ति हैप्पीनेस मिल सकता नहीं है। बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग मुझे फोन कॉल करते हैं, मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे कोई भी चीज में हैप्पीनेस नहीं लगती। मैं ये बोलता हूं कि क्या आप भाग रहे हैं, क्या आप दौड़ रहे हैं, क्या आप एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट के बाद तीसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो उनका कहना है हाँ, हमें इतने टास्क दिए जाते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली कॉम्पीट कर रहा हूं और उसी के कारण मुझे हैप्पीनेस नहीं लग रहा है। तो मैं बोलता हूं कि कॉम्पिटिशन आप छोड़ दो, रिलैक्स रहकर अपने काम पे फोकस करो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है कंपैरिजन। जितनी ज्यादा बार आप कंपैरिजन करेंगे उतना आपका हैप्पीनेस कम होते जाएगा। बहुत पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा लड़का जो है बिल्कुल भी अच्छा मार्क्स नहीं लाता, 100 में से 90 मार्क्स लाता है। बाजू वाले शर्मा जी की लड़की को देखो, 96 मार्क्स लाती है। बाजू वाला जो गुप्ता जी है उनका जो लड़का है वो 98 मार्क्स लाता है। तो उनको मजा ही नहीं आ रहा। बच्चा अच्छा मार्क्स ला रहा है फिर भी उनको लगता है कि ये बच्चे का कोई मार्क्स ही नहीं है।
क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों का कंपैरिजन बाकी के बच्चों के तरफ करते रहते हैं और उनको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। वो जो मेन जो क्रक्स है वो भूल रहे हैं कि मेरे बच्चे को भी 90 मार्क्स आए हैं। तो इसलिए कंपैरिजन और कंपटीशन करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। ऑल्दो वो बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि कंपटीशन करो, भागो, दौड़ो, कंपैरिजन करो, लेकिन इंटरनली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपटीशन और कंपैरिजन आर द टू वर्स्ट एनिमीज ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। जितना आप ये कंपटीशन और कंपैरिजन छोड़ दोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैकेशन लो, हॉबीज डेवलप करो, रिलैक्स रहो, एंजॉय करो। ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ रही है वैसे हम भूल रहे हैं। हम छुट्टियां मनाना भूल गए, हम दोस्तों के साथ जाना भूल गए, हम पार्टी करना भूल गए, हम हॉबीज पालना, हॉबीज को एंजॉय करना भूल गए, बुक्स पढ़ना, टीवी देखना, लाइब्रेरी में जाना, लोगों के साथ हैंग आउट करना हम पूरी तरह भूल गए हैं। ये चीजें बहुत ही जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यदि आप हफ्ते में एक दिन भी अगर आप ये चीजों को देते हैं तो आपका लाइफ बहुत हैप्पी होगा और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है और जो लास्ट टिप है वो है अपने डाइट के तरफ, अपने नींद के तरफ और पानी के तरफ ध्यान देना। खाना हमने बहुत ही अच्छी से मेटिकुलसली प्लानिंग करके खाना है, पानी बहुत ज्यादा हमको पीना है, और नंबर 3 हमने नींद की तरफ ध्यान देना है। ऐसा पढ़ाई में देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग 7 आवर्स से कम सोते हैं या 7 आवर्स से ज्यादा सोते हैं उनका हैप्पीनेस चले जाता है, वो चिड़चिड़े बन जाते हैं, बहुत स्ट्रेस उनको आने लगता है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको आने लगता है। तो ये जो टिप्स थी मैंने इसलिए डिवाइस किया था कि आपको लाइफ में आनंद कैसे मिले, आप हैप्पी कैसे रहो, खुश कैसे रहो, आनंदित कैसे रहो, उत्साहित कैसे रहो। होप यू हैव हैप्पी लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए।